मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ लोग थे जो हमें भी हिम्मत दे रहे थे कि बुलडोजर और यूएपीएस से मत डरो, जेल जाने से, गोली खाने से मत डरो। हमारे नायक का नाम भगत सिंह है, जिसने फांसी के फंदे को 23 साल की उम्र में इसलिए चूम लिया था, जिसे अपने खत में लिखा कि जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता गुलामों की। मैं शहीद इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। आने वाले वक्त में अपनी माएं अपने बेटों को भगत सिंह बनाएंगी। ईमानदारी से पूछ कर रहा हूं, बताइए आज कितने लोग अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना चाहते हैं? आज तो सब चाहते हैं अंबेडकर भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा हो। बोलते हैं कि वो देवी देवता और धर्म को बचाने के लिए आए हैं। हमें सच कहना होगा कि अपना धर्म, अपना राज सब तुम अपने पास रखो, हमारे बच्चों की शिक्षा और रोजगार हमें दे दो, आत्मसम्मान हमें दे दो, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बन जाए। मंदिर को उनके तो दीजिए, मंदिर आपका काम नहीं है। ले जाओ मंदिर में दंगा कराओ अपने बच्चों से, उनके बेटे बेटियां, अगर वो गृह मंत्री बन गया तो उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपया कमा रहा है। जितने नेता दंगाई बात करते हैं उनके बेटे बेटी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, विदेश में करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो कभी धर्म को बचाने तलवार लेकर सड़क पर नहीं आते हैं। हमारे आपके घर के बच्चों को कहा जाता है जब वो शिक्षा मांगे, जब वो रोजगार मांगे, जब अपना हक मांगे, तो उसे कहा जाता है कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, चलो मस्जिद पर अटैक करना है, और हमारे आपके घर के बच्चे तलवार लेकर चले जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं और वो मलाई खा रहे हैं। हमें फर्क कहना होगा, ये सच है कि नहीं सही? कितने लोग मारे जा रहे हैं दंगे में उनकी तरफ से, जरा बताइए। चौधरी छोटू राम ऐसे हरियाणा के थे, उन्होंने एक नारा दिया कि इस देश में 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा लोग हैं। ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। उन्होंने ये बात कही, उसके पहले बाबू जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा ने एक नारा दिया था। ये नारा केवल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे याद है, ये नारा इसलिए आपके बीच में बता रहा हूं, बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि जाओ इस देश की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, ताकि आत्मविश्वास आए कि डरना नहीं है, सीना तान के उन लोगों से लड़ना है जिनसे पुरखे लड़े थे और जीते थे, हमें भी जीतना हो। इसलिए अतीत की तरफ लौटते हैं जब आप, तो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं ना, हमें अपनी जड़ों से काट दिया जा रहा है। इसीलिए वो लोग भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं और पढ़ने नहीं देना चाहते बाबा साहब को। बाबा साहब किताबों से दूर हो जाए, सिलेबस से दूर हो जाए, रिसर्च उन पर ना हो, उन पर कोई शोध ना हो, और बाबा साहब को केवल पूजो, ये वो भी कर रहे हैं। और आखिरी बात, वो नारा दिया था, ओबीसी समाज के लोगों से भी कहता हूं, महिलाओं और ओबीसी समाज के लोगों को, ये दो लोगों को मैं इसलिए ज्यादा खास तवज्जो देकर एड्रेस कर रहा हूं, दलितों ने इतना झेला था ना कि उनको जब अपना मसीहा नजर आया तो उसे दिल में बसा ले गए। आज मजाल नहीं है कि कोई दलितों के मसीहा और उनके हक की मारी कर दे। वो 2 अप्रैल का भारत बंद भी कर सकते हैं, वो 5 मार्च का भारत बंद भी कर सकते हैं। उन्होंने तो आपके मसीहाओं को भी अपना बनाया। बाबा साहब ने 3 गुरु बनाए थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फूले, तीनों में से कोई दलित नहीं था, और बाद के लोगों ने बाबा साहब को केवल दलितों का नेता बता दिया। यह संकट है कि नहीं? महात्मा फूले को ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, वो माली जाति से आते थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ओबीसी थे। टीवी पेरियार रामास्वामी नायकर और उससे लेकर के बैकवर्ड क्लासेस लीग, फेडरल डिप्रेस क्लासेस लीग, शिवदयाल सिंह चौरसिया और त्रिवेणी संघ बना था 1930 में बिहार में। देखिए, ओबीसी को जोड़ना है तो इन पर चोट तो करनी होगी, लेकिन कोशिश ये करें कि वो हमारी तरफ आए, कहीं उसको अगर चिढ़ाने लगे तो कब हिंदू बन जाएगा और आप ही के खिलाफ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नफरत आसान है, मोहब्बत का काम मुश्किल है। थोड़ा धैर्य रखना होगा, भाषा में विनम्रता रखनी होगी, और उसे पढ़ाना होगा, बताना होगा कि शिवदयाल सिंह चौरसिया ने जब आदि हिंदू सभा बनाई और जब गए ब्राह्मणों से मिलने,
तो उन्होंने कहा आओ हमने यहां हिंदू सभा बनाई है, इसकी सदस्यता ले लो। तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने वही पन्ना फाड़ा कि जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं। उन्होंने बैकवर्ड कैथोलिक लीग का फेडरेशन बनाया, 1948 में उसका सम्मेलन लखनऊ में हुआ और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह है बहुजन एका। ओबीसी को इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया गया। त्रिवेणी संघ जब बना बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना यूपी में, क्या था उसका नारा कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। और उस नारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संत सोपा ने बाधी गाढ़, पिछड़ा पावे सौ में साथ। उस नारे को जयदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि सौ में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी लड़ाई का एक हथियार है शिक्षा। शिक्षा ही मानसिक रूप से गुलामी दूर करेगी। और उसे शिक्षा को बेच दिया है इन देश बेचने वालों ने। यह आखिरी बात कह करके आपसे एक शपथ लेना चाहता हूं। जिस दौर में दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहां कुछ लोग कह रहे थे गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, फिर हॉस्पिटल बंद कर दो। हॉस्पिटल में क्या इलाज है? एक ब्राह्मण दूसरे घर में जा करके वहां लोग हाथ जोड़ के बैठे कि बेटा फेल हो गया, क्या होगा? तो ब्राह्मण ने कहा इसका पत्रा देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि इसकी दशा, ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, तो हवन करा लो, ये दशा ठीक हो जाएगी। और हवन करके दान दक्षिणा लेकर चला आया। बेटा साथ गया था, बेटा आकर पूछा कि पिताजी हमें नौकरी क्यों मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, हमारी भी ग्रह दशा ठीक नहीं है क्या? तो ब्राह्मण नाराज होकर बोला चुप ना लाए, तुझे तो आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रह दशा तुम्हारी थोड़ी खराब है। हमारे पूर्वांचल में एक नारा था, लोग जाकर ब्राह्मण से शिकायत किए कि एक गधा है, कुछ बच्चों ने उसको जान ले ली है, क्या होगा पंडित जी? उन्होंने कहा अरे गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, अब तुम्हें हवन कराना होगा, इस पाप से मुक्ति मिलेगी और ये कराना होगा, इतना खर्च होगा। बड़े नाराज हुए। धीरे से एक आदमी ने बोला पंडित जी जिन बच्चों ने गधे को मारा है उसमें आपका लड़का संतोष भी है। पंडित जी खड़े होकर कहे कि दो चार लैकन में एक संतोष, गधा के मरले में कौनो न दोष। तुरंत इतिहास बदल गया। ये लोग हमारी पीढ़ियों को गुलाम बनाए थे। तृतीय रत्न नाटक लिखा है महात्मा फूले ने, और उस नाटक के रेफरेंस से कह रहा हूं। एक आदमी बहुत गरीब था, वो ब्राह्मण के पास जाता है। ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि वो ब्राह्मण से कहता है कि तुम्हारे जीवन का सारा संकट इसलिए क्योंकि शनि ग्रह की दशा ठीक नहीं है। वो आदमी कहता है कि हुजूर कैसे होगी सही? उन्होंने कहा हवन करा लो। कितना खर्चा आएगा? 10,000 रुपया। आदमी कहता है इतना पैसा तो नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है चलो सेल लगा दी, 50% डिस्काउंट, 5,000 रुपया में हवन करा दूंगा। वो आदमी कहा नहीं, 5,000 भी नहीं दे पाऊंगा। फिर ब्राह्मण बोला कि अच्छा 100 रुपया 1,000 रुपया दे दो, कुछ दिन के लिए शनि ग्रह को ठीक कर देता हूँ, जब पैसा हो जाएगा तो बड़ी वाली हवन करा लेना। वो आदमी खड़ा होके कहा मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण नाराज होके कहा जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ऐसे नमूनों से हमारे देश में मानसिक गुलाम पैदा किए गए। एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ा, ऊपर से देखा तो इतने ऊपर से उतरेंगे कैसे, डर लगी। उसने हाथ जोड़ा हनुमान जी ताकत दे दो, नीचे उतर जाऊंगा, मंगलवार को एक लड्डू चढ़ाऊंगा। आधा दूर आया, फिर कहा कि हनुमान जी आजकल बड़ी गरीबी है, कोरोना में नौकरी चली गई है, घर में खाने को नहीं है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा उसमें मान जाना।
थोड़ा और नीचे आया और कहा कि देखो आपके यहाँ लड्डू तो बहुत चढ़ता होगा, मैं 250 ग्राम चढ़ाऊंगा, उतने में ही खुश हो जाना। करते करते वो जब जमीन पर उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी आज से न पेड़ पर चढ़ूंगा ना आपको लड्डू खिलाऊंगा। ये तर्क और विज्ञान की बात, हमारे पुरखों ने तर्क विवेक वैज्ञानिकता की बात की थी, हमारी पीढ़ियों को धर्म के अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है, यह फर्क है हमारे और उनमें। इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि उसी कोविड काल में 3 कानून लाए गए थे, 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून और नई शिक्षा नीति। बाबा साहब आज होते तो जैसे किसानों का कोड़ा लिखने वाले फूले और किसानों को उसका हक दिलाने वाले डॉक्टर अंबेडकर किसानों के कानून के खिलाफ सड़क पर खड़े होते, वो नहीं थे फिर भी जागरूक लोग थे, तो बाबा साहब उन तस्वीरों में उन आंदोलनों के चेहरे बने हुए थे। सीएनआरसी का आंदोलन जब हुआ तो उस आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा अगर किसी एक नायक का था तो मुसलमानों के हाथों में भी जो तस्वीर थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। इस देश में किसान मजदूर नौजवान सारी लड़ाइयों में जिस नायक को आजादी के बाद दफन कर दिया गया था वो मिट्टी फोड़ कर बाहर आया, पढ़ाई और लड़ाई की आवाज में बुलंद हुआ और आज 2022 तक आते आते उस एक नायक के करोड़ों लोग मानने वाले हैं, वो आंदोलनों का नायक बनकर उभरा है, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भगत सिंह अंबेडकर बिरसा फूले पेरियार की विरासत हमारे पास है। और हमको कुछ लोग डराते हैं कि माहौल ठीक नहीं है, लोग यूएपीए लगा देंगे, यूपी में हूं अभी घर भी जाना है, यहां बुलडोजर भी चल जा रहा है। भारत का संविधान बड़ी मुश्किल से बना था, उस संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका थी, भारत के उनमें लिखा हुआ है कि शास्त्रों में लिखा है कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। आज अभी कहीं भी नहीं हुआ कि अपराधी गुनहगार कौन है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, भारत का संविधान कहां बचा? ईवीएम से चुनाव हो रहा है, बटन दबाओ अगर ईवीएम गलत हो तो चुनाव में वोट सारा कमल के फूल पर ही जा रहा है। भाई गलती से वोट एक आध बार निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों नहीं चला जाता? ये कौन सी गलती है कि हर बार वोट तुम्हें ही जा रहा है? चुनाव आयोग ने चुनाव ढंग से कराया क्या? क्या भारत का संविधान वहां बचा हुआ? इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज आज फैसला सुनाता है कि मंदिर वही बनेगा और कल जाकर राज्यसभा में शपथ लेता है। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में 85% बहुजनों के, 85% छोड़िए 5% भी जज ना हो, वो कौन सा राष्ट्र है? हमारे प्रोफेसर नहीं, हमारे डॉक्टर नहीं, हमारे इंजीनियर नहीं, हमारे वकील नहीं, 85% इस मुल्क की जमीनों पर हमारा कब्जा नहीं, 85% इस मुल्क की संपत्ति हमारे पास नहीं। और अचानक जब आप ये सवाल पूछेंगे तो कोई आता और कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में बचाने जाना है। ये सांप्रदायिकता की आग आपको भटकाने की आग, इसलिए संविधान खतरे में है। इस समय जब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं, मीडिया हमारे खिलाफ दिन रात खड़ा होता है, एक सवाल पूछता हूं, 14 अप्रैल को पूरे भारत में जो जश्न मनाया गया वो किसी होली दिवाली ईद से कम नहीं था, फिर भी इस देश की मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया कि एक बड़े नायक का जन्मदिन लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मनाया, क्यों नहीं दिखाया उस मीडिया ने? यह सवाल हमारा है। और इसलिए मैं जाते जाते केवल अपील करने आया हूं साथियों, हमारे भाषणों की कोई अहमियत नहीं, हम 4 शब्द इधर उधर करके बोले आप हमें सम्मानित करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन असली सम्मान हमारा और हमसे बढ़कर सम्मान हमारे महापुरुषों का तब होगा जब हम वो लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई उन्होंने लड़ करके हमें ये जमीन सौंपी। बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हो, इसे पीछे मत जाने दे, आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जाओ तो वहीं छोड़ देना। ईमानदारी से पूछ कर रहा हूं, बताइए क्या हमारी आंखों के सामने बाबा साहब का बिरसे फूले का कारवां पीछे नहीं जा रहा?
कबूल करिए कि पीछे जा रहा है। आपका आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी नौकरियां बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नारा उसने लगाया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आया तो रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, और नवरत्न कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिया, और सब कुछ बेचने के बाद उसने आपके बच्चों की शिक्षा भी बेच दी। उसे चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर उसने आपकी खुली आंखों के सामने उस स्टेशन, उस ट्रेन सबको बेच दिया जिसमें पता नहीं वो कब चाय बेचते। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, इशारे में कह रहा हूं, आपको बहुत दिक्कत ना हो इसलिए कर रहा हूं। वो लोग सारा कुछ बेच रहे हैं जो हमारे पुरखों ने बनाया था, और हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया। इस देश के नाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मोची, मल्ला, निषाद, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन्होंने मिलकर के, उनके हाथों ने श्रम करके 90% लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, और हमारे बच्चों से 90% हमारी धन, हमारी धरती, हमारा राजपाट छीन लिया, और आज हम गुलाम बने बैठे, और हमारी बनाई हुई संपत्ति को बेच रहा है वो बैठकर। वो नालायक बेटा कहा जाता है जो बाप की संपत्ति को बेचता है। हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम बेचने दे रहे हैं। एक बात याद रखिए, दोष उसका भी नहीं है, उसने भी कह दिया है, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे किसी रोज, आप कहां जाएंगे, मैं आपसे सवाल पूछने आया। क्या आप अपने बच्चों को जवाब दे पाएंगे कि जब उनकी शिक्षा बेची जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे? इस देश को अंबानी और अडानी के हाथों बेचा जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? रेलवे, जहां बहुजनों की सबसे ज्यादा नौकरी थी, पूरा का पूरा रेलवे बेचा जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इस देश में भारत का संविधान खत्म किया है, कर दिया गया है, हम आप कहां खड़े? ये सवाल है मेरा, आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी। जब ये सब हो रहा था, तुम अपने वक्त का सही सवाल पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ लोग थे जो हमें भी हिम्मत दे रहे थे कि बुलडोजर और यूएपीए से मत डरो, जेल जाने से, गोली खाने से मत डरो। हमारे नायक का नाम भगत सिंह है, जिसने फांसी के फंदे को 23 साल की उम्र में इसलिए चूम लिया था, जिसे अपने खत में लिखा कि जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता गुलामों की। मैं शहीद इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। आने वाले वक्त में अपनी माएं अपने बेटों को भगत सिंह बनाएंगी। ईमानदारी से पूछ कर रहा हूं, बताइए आज कितने लोग अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना चाहते हैं? आज तो सब चाहते हैं अंबेडकर, भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारी चालाकियों ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, इसलिए आपका यह अपील आपसे मैं करने आया हूं, हमारी आवाज जब तक है तब तक बोलेंगे। हमारे पुरखे उनके पुरखों से, गोडसे, कोलवनकर, हेडगवार से, और दीनदयाल उपाध्याय और तमाम लोगों से तब नहीं डरे, बिरसा फुले अंबेडकर बनकर खड़े रहे, तो ये डरपोक लोगों से हम डर जाएंगे क्या? हम आंख में आंख डालकर फुले अंबेडकर पेरियार की बात करते रहे थे, करते रहे, और जब तक बोलने की ताकत है तब तक करते रहे। बाबा साहब ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम केवल तस्वीरों से नहीं, अब जंग को क्रांति तक ले जाने की जरूरत है। आइए ओबीसी समाज के लोगों, तुमसे पूछा था मैंने कि मैंने जब आरटीआई लगाई तो इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक तुम्हारे प्रोफेसर जीरो थे। तुम्हारे जज नहीं है, तुम्हारे वकील नहीं है, तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो ओबीसी समाज के लोगों बताओ, तुम हिंदू थे तो तुम्हारा हक किसने मारा? दलितों बताओ, तुम्हारा हक किसने मारा? आदिवासियों बताओ, तुम्हारा हक किसने मारा? वही 10% लुटेरा लोग हैं जिन्होंने 90% संसाधनों पर कब्जा किया है। इस समय लेटरल एंट्री हो रही है, जानते हैं लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? लेटरल का अर्थ होता है पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से। और इस देश में सबसे बड़ा इम्तिहान है यूपीएससी आईएएस बनने का। इस देश में पिछले 3 साल में 340 लोग लेटरल एंट्री से बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, और उन 340 में से
एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अगर दलित पिछड़े आदिवासी भी हिंदू हैं तो जहां आरक्षण लागू नहीं है वहां हमारे लोग क्यों नहीं है भाई? मीडिया में आरक्षण नहीं, मीडिया में कितने ब्यूरोक्रेट दलित पिछड़े आदिवासी है? सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, बताओ कितने जज दलित पिछड़े आदिवासी है? तुमने दिन रात केवल आरक्षण को गालियां दी हैं, हमारे लोगों को अपमानित किया मेरिट के नाम पर। ये लेटरल एंट्री नई शिक्षा नीति के पीछे से चोर दरवाजे से आ गई है। हम जैसे प्रोफेसर लोग बन गए, आने वाली पीढ़ियों में अब आपके प्रोफेसर भी नहीं बनेंगे। 90-95% अभी भी इस देश के कुलपति, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर सारे सवर्ण बने बैठे हैं, हमारे लोग तो वहां है ही नहीं। ये आज के सबसे बड़े सवाल थे। पुरखों की लड़ाइयों को हमारे सामने सौदा किया जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति तो बनेगी लेकिन उनके सपनों का भारत नहीं बनेगा। यहां खड़े हैं हम, इसलिए जाते जाते आपसे केवल एक अपील करके जा रहा हूं कि जब जब भी स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। लाख बुरी परिस्थितियां हो मगर उससे बुरी नहीं है जो ज्योतिबा फूले ने झेली। लाख बुरी परिस्थितियां हमारे सामने है मगर उससे बुरी नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय कांशीराम ने झेला। वैसी परिस्थितियां नहीं है। ओबीसी समाज के लोगों ये बात जहां तक जाए पहचान के बताइएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और दिल्ली से बैठकर कुछ लोगों ने नारा बनाया था, आगे ही आ जाओ कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, भैंस चरावा राम नरेश और बाल बनावा कर्पूरी, ये नारा लगाया था। और उन लोगों को, ओबीसी लोगों को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू हो चलो खतरा में है, धर्म बचाने जाना है। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं 14 अप्रैल, 26 नवंबर, 6 दिसंबर, ये तिथियां तो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। बाबा साहब की मूर्ति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी सामने से गुजरेंगे हिम्मत लेकर गुजरेंगे कि हमारे बीच का एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने हमारा मुस्तकबिल लग दिया। मगर आइए मूर्तियों तस्वीरों के दुरुपयोग करने वाले नेताओं को भी पहचाने और बाबा साहब फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा को किताबों के जरिए ले चले सड़कों तक। अब इस देश को अगर कोई बचा सकता है, भारत के संविधान को कोई बचा सकता है, भगत सिंह, अंबेडकर बचा सकते हैं, बिरसा, फूले बचा सकते हैं, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी बचा सकते हैं, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी बचा सकते हैं, मंडल कांशी राम बचा सकते हैं। जड़ों की तरफ लौटिए, क्रांति का आगाज करिए, तब जाकर के हम कुछ बदल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आप सभी को मैं आपसे ये बात कहने आया हूं कि जंगल में आग लगी, एक चिड़िया पानी डाल रही थी चोंच से, बाकी लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी। उस चिड़िया का जवाब था कि मैं जानते हूं कि मेरे एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि जिस समय भारत को बेचा जा रहा था, आरक्षण खत्म किया जा रहा था, शिक्षा बर्बाद की जा रही थी, आपके मुल्क को दंगाई बनाया जा रहा था, उस समय मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।